7 जनवरी 2022। ये आप लोग सीन देख रहे हैं, ये गाय तड़प तड़प के मर रही है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये पट्टी अभी हमने किसी तरह बांधा अपने अकेले अपने हाथ से जी। एनजीओ वगैरह सब चल रही हैं, सरकारी व्यवस्थाएं नाम मात्र की हैं, कोई इनकी ओर ध्यान देने वाला नहीं है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर पड़ी है। जब तक जी रही हैं तब तक कुछ ना कुछ उनके लिए व्यवस्था देखी जा रही है। ये लाइब्रेरी का हाल है, ऐसे न जाने कितने जानवर सड़कों पर पड़े रहते हैं, उनकी सुध लेने वाला हमारी सरकार की ओर से कोई नहीं है। एनजीओ वगैरह भी एक दो जानवर दिखाने के लिए उठा ले जाते हैं और न जाने कितने जानवर यहाँ पर पड़े हुए हैं भूखे प्यासे, घाव में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति में ये यहाँ पड़े रहते हैं। आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई जानवर एडमिट रहता है। ये दूसरा जानवर ये भी उसी कंडीशन में, अब ये भी यहाँ पड़े पड़े अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं बस कि कब इनकी मौत आ जाए, तड़प तड़प करके मरते हैं। इनके लिए भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, ले दे करके ये सूखा भूसा जो है, ये सूखा भूसा सरकार की ओर से सूखा भूसा जो है इनको मिलता है। अब सूखे भूसे से इनका क्या गुजारा होगा, कैसे होगा, और चिकित्सा के नाम पर ऐसी दवाइयां हैं जो केवल दिखाने के लिए हैं और उससे कुछ फायदा वायदा इनको होता नहीं। हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, हमारे अस्पतालों को थोड़ा सा आधुनिकीकरण किया जाए। वही अंग्रेजों के समय में जिस प्रकार से हॉस्पिटल अंग्रेज छोड़ करके गए थे, वैसे ही अभी आज भी पशु अस्पताल का वही हाल है। कई दिनों से श्याम साधु जी के यहाँ से मैं आता हूँ और इनका वीडियो वगैरह बनाता हूँ, जो इनको दिक्कत है उस थोड़ा बहुत जो जितनी मदद कर सकता हूँ उतना मैं मदद करता हूँ। और इन्हें तो पूरा टीम वर्क चाहिए, कम से कम मरते समय इनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी सरकार से यही मांग है कि पशुओं के लिए कुछ उचित व्यवस्था की जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि इनको किसी प्रकार का कष्ट न झेलना पड़े। और जनता भी अगर हॉस्पिटल में जानवरों को ला करके ना छोड़े, अपने आसपास ही उनकी सेवा कर ले टूटे फूटे जानवरों की, तो अच्छी सेवा हो जाएगी। यहाँ पर तो ये भूखे प्यासे तड़प तड़प करके मरते हैं। इसी के साथ ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।